दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फॉर सोशल में। दिल्ली के सुल्तानों का काल भारत के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें 5 वंशों ने शासन किया, जिससे संबंधित अनेक तरह की रोचक जानकारियां भी हमें इतिहास से मिलती हैं। मध्यकालीन इतिहास में वर्तमान समय की तरह न्यायालय नहीं होते थे। उस समय सुल्तान की इच्छा या फैसला ही कानून होता था। इसी कारण काफी कुछ सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। दिल्ली सल्तनत काल में अनेक अमानवीय दंड भी दिए जाते थे। इसी कारण लोगों के मन में भी सवाल होता था कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया। चलिए इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि अमानवीय दंड क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की जगह साधारण शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है कि जब किसी को दंड देने का तरीका या दंड का प्रकार ऐसा हो जैसा मानव के साथ नहीं किया जाना चाहिए, उसे अमानवीय दंड कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने 1356 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने ही दंड संहिता को संशोधित करते हुए उसे अमानवीय बनाया, या कह सकते हैं कि अमानवीय दंड देना बंद कर दिया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए उसने दफ्तर ए रोजगार नामक विभाग की स्थापना की, और इसके साथ ही फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शहरों की भी स्थापना की। फिरोज तुगलक का आदर्श वाक्य था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी हृदयों से अच्छा था खाली खजाना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।